जी ने राम ने इससे कहा, भैया ऐसे माली अंदर जाने नहीं देगा, एक बार बोल दीजिए सीता जी की जय। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया तुम तो जानते हो पराई नारी का अपनी जिह से मैं नाम नहीं ले सकता। तो लक्ष्मण जी धीरे से राम जी से बोले, भैया हो सकता पराई ना हो तुम्हारी ही हो, एक बार बोल दीजिए सीता जी की जय। ध्यान देंगे, आज राम और लक्ष्मण जी बगिया में प्रवेश करते हैं, वो माली है कौन मेरे भाई, जरा विचार करिए, वो माली कौन है। भूत भावन भोले बाबा जी माली के रूप में खड़े हैं। देख करके शोभा, उस बगीचे की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। देख करके शोभा मन मोह जात संतन को, और ऐसी पुष्प वाटिका में पहुंचे धनुधारी है। जाकी रखवारी, इस लाइन से प्रमाण मिलता है कि जाकी रखवारी अंदर जगत की महतारी करे। जगत की महतारी कौन? गौरी मैया। उस बगीचे के अंदर एक गौरी जी का मंदिर था, गौरी जी का मंदिर था, सीता जी रोज आती थी, गौरी जी की पूजा करती थी। जाकी रखवारी अंदर जगत की महतारी करे, और बाहर द्वारपाल बने भोला त्रिपुरारी। गुल गुलाब गुल मेहंदी और गेंदा सभी फूल रहे, ऐसी पुष्प वाटिका में पहुंचे धनुधारी है। क्या कहना उस समय की शोभा को, बढ़िया कोमल कोमल कमल जैसे हाथ हैं, हाथों में दोना, फूलों को चुन चुन करके दोने में रख रहे हैं प्रभु। इधर सीता जी आई हैं गौरी जी की पूजा करने के लिए, नित्य नियम था। उसी बगीचे में सरोवर था, सीता जी सरोवर में स्नान करती हैं, बढ़िया फूलों को चुन करके और गौरी मैया की पूजा करने जा रही है। क्या मांगती हैं? और मैं कुछ नहीं मांगती हूँ मैया, निज अनुरूप सुभग बर मांगा, जैसी मैं हूँ गोरी गोरी वैसा मुझे सुंदर गोरा गोरा पति मिलना चाहिए। पूजा करती हैं, बर मांगती हैं। सीता जी की एक सखी थी, बड़ी चंचल थी। जब सीता जी गौरी जी की पूजा करने लगी तो सीता जी गई, वो सखियां गई बगीचे में घूमने लगी। एक सखी बड़ी चंचल थी, जब बगिया में भ्रमण करने लगी, उसकी नजरें कहाँ पहुंच गई, जहां पर राम और लक्ष्मण जी फूल तोड़ रहे थे। देखा तो दंग रह गई, यही दोनों राजकुमार आए थे नगरी में घूमने, और वही बगिया में दौड़ी, दौड़ करके सीता जी के पास आई तो उसकी हालत कैसी है देखो, चेहरे पर मुस्कुराहट है और नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। आंसू तीन प्रकार के होते, एक दुख का आंसू, एक सुख यानी खुशी का आंसू, और एक प्रेम का आंसू। ध्यान देंगे, आज सीता जी जैसे उस सखी की ओर देखा है तो सीता जी मुस्कुराई और पूछती हैं, क्या बात है बहन, इतना प्रसन्न क्यों है? अच्छा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, फिर सीता जी ने प्रश्न किया, तो इतना खुश क्यों है? आंसू से पहचान होती है, जो खुशी के आंसू होंगे और दुख के आंसू होंगे पहचान क्या होगी, कभी अनुभव करिए। जो दुख में लोग रोते हैं, जो दुख में आंसू निकलते हैं, आंसुओं को छू करके देखे वो आंसू गर्म होंगे, और जो खुशी की आंख से आंसू बहते हैं वो ठंडे होंगे, शीतल होंगे। सीता जी ने सखी के आंसुओं को छू करके अनुभव कर लिया कि खुशी के आंसू हैं। कहा, बहना इतना खुश क्यों है? तो सखी ने इशारा किया, इशारा क्यों करती है? अच्छा, आंखों ने देखा है तो आंखें बोल नहीं सकती है क्योंकि जिभ्या नहीं है, और जिभ्या ने जिभ्या बोल सकती पर जिभ्या के आंखें नहीं है। इशारा करती, इधर देखो इधर। सीता जी देखती, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या दिखाना चाहती है? तो कहा, जो डाली नीचे को झुकी है ना, इसको थोड़ा ऊपर उठाओ तब दिखेंगे। सीता जी डाली को ऊपर उठाती हैं तो सीता जी जो हाथ में कंगन पहने थी, कंगन बज जाते हैं। कंकन किन किन नूपुर धुनि सुन,
कंगन बजे, अभी कोई दिखाई नहीं पड़ा, नजर कुछ नहीं आ रहा है। सीता जी ने कहा अभी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाना चाहती है सखी? तो कहा थोड़ा झुक जाओ, झुक करके देखो। सीता जी जब झुकती हैं तो कमर में जो करधोनी बांधे थी वो सीता जी की करधोनी बज जाती है। अभी नहीं दिखाई पड़े तो सखी ने कहा बहन अगर अबहू नहीं देख पाए हो तो थोड़ा आगे चल के देख लियो ना, आगे बढ़ जाओ। तो सीता जी उठा करके पांव जब आगे रखती हैं तो जो पांव में पायल पहने थी पायल खम से बच जाती है। राम लक्ष्मण जी के कानों में आवाज गई। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये कैसी आवाज सुनाई पड़ रही है? तो राम जी मुस्कराए और धीरे से बोले भैया हमें ऐसा लगता है कामदेव अपनी सुंदरता का चैलेंज देने के लिए आ रहे हैं बाजे गाजे के साथ में। ध्यान देंगे आज सीता जी जब आगे बढ़ करके देखती हैं तो नजरें पहुंच नहीं राम जी पर, पलकें उठी की उठी रह गई, नीचे नहीं झुकती हैं। राम जी को सीता जी जब देखती हैं आज पलकें उठी की उठी रह गई। नैनों में डारी गयो टोना किशोर गौर सामर सलोना, पलकें नीचे नहीं झुक रही हैं। राम जी फूलों को तोड़ तोड़ करके रख रहे हैं और धीरे धीरे बगीचे से बाहर निकल रहे हैं। जो सीता जी अपने हाथ में कंगन पहने थी उन कंगन में हीरे जड़े हैं, तो राम जी की परछाई सीता के कंगन में उन हीरों में दिखाई पड़ती है। तो सीता जी कहती ए बहना।